हाय, गुड इवनिंग। आपने मेरे पिछले वीडियोस में पिज़्ज़ास और क्या क्या सैंडविचेस, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो चलो आज हम थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, हेल्दियर करते हैं, बिकॉज हेल्दियर खाना वेरी इंपॉर्टेंट है आज की लाइफ में। आप हेल्दी खाओगे तो हेल्दियर रहोगे, विल बी द इंस्पिरेशन फॉर योर टीनेजर्स। तो चलो ऐसी चीज़ें खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हो, बच्चे शाम को आए स्कूल से ये चीज बना के दे सकते हो। तो चलो हम ये क्या चीज बना रहे हैं, सैंडविच। किसके सैंडविच? काले चने के सैंडविच। चलो चलते हैं। मैंने लिए काला चना और जो मसाला हम लोग लेते हैं ना काला चना के लिए मसाला, वो लिया है। मैंने आपको मसाला दिखाया था, वो लेते हैं। और उसके साथ हमें चाहिए कैप्सिकम, आलू की सब, कैरेट, कैबेज भी डाल सकते हो, इसमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हम ले रहे हैं अनियन, कैरेट, कैप्सिकम, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर। आपके घर में अगर चना की सब्जी रह जाती है, चना की ग्रेवी वाली सब्जी रह जाती है, उसे आप क्या कर सकते हो, उसको अच्छी तरह ड्राई करके उसको सुखा लो, सुखा के उसको पीस लो। पीसने के बाद ये चीज़ें ऐड करके सैंडविचेस बना सकते हो। तो इसके लिए आपको बटर भी चाहिए होगा, ब्रेड, और टोस्ट कर दीजिए। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, पहले हम ये सभी चीज़ें, ये मसाला और चना, क्योंकि मैंने सब्जी नहीं बनाई ना, मैंने मसाला रख लिया था, तो ये चना के साथ अभी हम इसको ग्राइंड करेंगे कोर्सली, कच्चा पका। मैंने कोर्सली दरदरा पीस लिया है, कोर्सली पीस लिया है। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा, पहले थोड़ा सा ही डालेंगे, फिर ये सभी चीज़ें इसके साथ मिक्स कर देंगे। जो भी हैं सभी मिक्स कर लो। तो हमें पहले थोड़ा सा नमक टेस्ट कर लेते हैं। नमक ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और यमी भी है, ऐसे भी टेस्टी है। तो अभी हमने क्या किया, ब्रेड के एक साइड पे बटर लगा लिया, ठीक है ना। ऐसे ही सभी स्लाइसेस को मैंने बटर लगा लिया है। तो बटर वाला साइड डाउन एंड दिस मसाला ऑन द सैंडविच। ये मैं हमेशा ब्रेकफास्ट पे बनाती हूँ मोस्टली। जब भी मैं चने की सब्जी बनाऊँ तो मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ, क्योंकि चना इज गुड। तो चना की सब्जी को मैं फिर उसको अच्छी तरह ड्राई करके ऐसे ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो दिस इज यम, बिलीव मी। और इसको मैं बटर वाला ऊपर, एक ऊपर और इसका नीचे वाला, ऐसे एक साइड नीचे कर देते हैं और चना इसको डाल देते हैं थोड़ा सा। और 2 मिनटों में सैंडविच टोस्टर में डालोगे तो एकदम से रेडी। तो चलो अभी हम पहले इन दोनों को टोस्टर में डाल देते हैं। तो चलो अभी हम इसको टोस्टर में डालते हैं। तो ऐसे दो स्लाइस, एक 10 मिनट, एक 5 मिनट्स में ये वाला सैंडविच रेडी हो जाएगा। चलो अभी हम ऑन कर देते हैं, 5 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। अभी स्ट्रेट लाइंस हो गया, वी विल मेक इनटू, वी विल जस्ट टर्न दिस थिंग। तो दे आर डन, नाउ विल आई जस्ट ऑफ इट एंड टेक इट आउट। लेट अस डू द प्रेजेंटेशन ऑफ, कट लो आप, ये कटिंग कट कर दिए हम लोगों ने। तो चलो अभी हम इसको प्लेटिंग करेंगे। इसके साथ डेकोरेट कर देंगे। कर दिया है तो सैंडविचेस रेडी है। आप इन मेयो के साथ खा सकते हो, चिली सॉस के साथ खा सकते हो, टमाटो सॉस के साथ खा सकते हो, पुदीना चटनी के साथ खा सकते हो। दिस इज फॉर यू, एंजॉय, हैव अ ग्रेट टाइम। आगे बहुत सारे वीडियोस हैं, फॉलो देम। थैंक यू।